वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं मनोज बाजपेयी, समांथा अकिनेनी की वेब सीरीज फैमिली मैन सीजन 2 के ऑफिशियल ट्रेलर को। वेल फ्रेंड्स, ये ट्रेलर एंड ये वेब सीरीज इस साल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज में से एक नहीं बल्कि दिस इज द वेब सीरीज विच पीपल आर वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ। वेल फ्रेंड्स, इससे पहले जो वेब सीरीज थी जिसका लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार था, दो थी, एक तो सेक्रेट गेम्स एंड दूसरी मिर्जापुर। अब जब इनके दूसरे पार्ट्स आए तो बहुत लोगों को लगा कि एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। सेक्रेट गेम्स 2 को देख के सबको लगा अरे यार ये तो मजा नहीं आया, लेकिन जो डेप्थ थी सेक्रेट गेम्स 2 में थी, जिस तरह से स्टोरी को आगे लेके गए गाय तोड़ने के, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगिंग था। एंड जिस मोड़ पर सेक्रेट गेम्स 2 हमसे छूट जाता है वो भी बहुत मजेदार था, लेकिन जनता की राय कुछ और थी। बात करें मिर्जापुर की तो मिर्जापुर 2 भी लोगों को उतना नहीं पचा जितना मिर्जापुर 1 पचा था। एंड अनफॉर्चुनेटली दिव्येंदु के मरने के बाद लोगों को लगा अब मिर्जापुर में क्या होगा, लेकिन वो भी जो वेब सीरीज थी वो लोगों ने स्टोरी को आगे लेके गई, स्टोरी को जिस कदर से यू नो डेवलप करना था वो उन्होंने किया। एंड अब गाइज द थर्ड वेब सीरीज विच इज ऑन द लेवल ऑफ द सेक्रेट गेम्स एंड द मिर्जापुर, दैट इज द फैमिली मैन। फैमिली मैन जो वेब सीरीज थी इसने कल स्टेटस हासिल किया, स्पेशली इसकी थीम को लेके, इसके यू नो मेकिंग को लेके। एंड राज एंड डीके जो के बहुत ही मशहूर हो चुके हैं अब एंड आफ्टर द रूसो ब्रदर्स प्रोजेक्ट एंड द फिल्म SRK, दे आर इन द स्पॉटलाइट। एंड रिसेंटली उन्होंने सिनेमा बंदी एक फिल्म बनाई है तेलुगु में, इसका मैं रिव्यू बहुत जल्दी करूंगा, बहुत ही मजेदार फिल्म है वो। दे आर द मोस्ट अवेटेड डायरेक्टर्स एंड द मोस्ट वॉन्टेड डायरेक्टर्स राइट नाउ। एंड इनकी अभी फैमिली मैन सीजन 2 का ट्रेलर आया है, मैं आपको इस ट्रेलर के बाद इस सीरीज का रिव्यू करूंगा या नहीं करूंगा ये प्रॉमिस नहीं करता, क्योंकि मेरे से एक पूरी की पूरी 8-9 घंटे की वेब सीरीज एक दो दिन में देख के रिव्यू होता नहीं है, तो मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूंगा। मन किया तो रिव्यू करूंगा लेकिन ट्रेलर जरूर रिव्यू करूंगा। अब गाइस, इस पूरे के पूरे वेब सीरीज को देखने के लिए आपको जो पहला सीजन है वो देखना कंपलसरी, उसको देखकर आइए। श्रीकांत इज एन अंडरकवर ऑफिसर एंड नाउ ही हैज लेफ्ट हिज जॉब एंड ही हैज गॉन टू चेन्नई। अब वो चेन्नई में जाकर एक नॉर्मल डेस्क जॉब कर रहा है, आराम की जिंदगी बिता रहा है। प्रिया मणि जो कि बहुत ही यू नो बेहतरीन साउथ की अभिनेत्री है, वो यहाँ पे उनकी बीवी है, उनकी बेटी है जो कि काफी खूबसूरत है एंड एक छोटा बच्चा है उनका। अब गाइज यहाँ पर उनके जो फ्रेंड है जिनका नाम है शारिब, अब गाइज शारिब उनके साथ पहले पार्ट में भी थे, शारिब हाशमी, वो एक अंडरकवर ऑपरेशन में गए हैं। एंड इस बार जो खतरा है वो ISI मीट द रेबेल है। अब क्या वो श्रीलंकन गैंग है, श्रीलंकन ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे उनको रेबेल गैंग का टैग दिया गया है एंड उस रेबेल गैंग में है समांथा। अब नाउ दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड इंडिया इन चेन्नई एंड दे आर प्लानिंग अ बिग अटैक। नाउ दिस मिशन कॉल्स मनोज बाजपेयी बैक, ये मिशन मनोज बाजपेयी को वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने पर मजबूर कर देता है। क्या होता है इसके लिए आपको देखना पड़ेगा फैमिली मैन सीजन 2। इस ट्रेलर के सबसे बड़े प्लस पॉइंट समांथा रूथ अकिनेनी। वेल फ्रेंड्स, समांथा रूथ प्रभु नौशीद अकिनेनी, इनकी एक फिल्म आई थी 10 इंद्र थुकुला, जो मैंने आज से 6 साल पहले अपने चैनल पर रिव्यू किया था, आप जाके देख सकते हो, उसको हार्डली 300 व्यूज भी नहीं है। उसमें उन्होंने इसी कदर का एक रोल किया था, शी हैड डबल रोल इन द चियान विक्रम फिल्म, शी वॉज मेनेसिंग, शी हैड यू नो लाउड मेकअप एंड शी वॉज रूथलेस इन दैट फिल्म। दिस वेब सीरीज हैज हर यू नो समथिंग रियली डिफरेंट रोल। समांथा को हमेशा हमने यू नो एक आइडलाइज किया एज अ ब्यूटी, एज अ वेरी हॉट बॉडी, गुड फिगर, गुड एक्टिंग स्किल्स एंड अबिलिटीज। यहाँ पर शी हैज कम्प्लीट डार्क टैन मेकअप, शी हैज यू नो ब्लैक वॉर लाइन्स ऑन हर फेस, हेयर स्टाइल इज रियली डिफरेंट इन अ पिगटेल, शी इज लुकिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। एंड उनका जो लुक है, स्पेशली उनकी जो एक्टिंग है, इन तमिल में जो कहती है आई विल किल देम, बहुत ही बेहतरीन लगता है। बात करें इस पूरे को ट्रेलर की तो ट्रेलर डिवाइड कर सकते हो आप 2 मिनटों में, आई थिंक ये ट्रेलर बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, हम इसके 24 आवर्स के रिकॉर्ड कल डिस्कस करेंगे। पहला 1.5 मिनट का ट्रेलर जो है वहां पे मनोज बाजपेयी के बहुत सारे फनी सीन्स हैं। जोर से मत फूंक, पीछे से हवा निकल जाएगी, बच्चों को कहता है वो बांसुरी बजाता है, वो वाला काफी अच्छा लगा मुझे। प्रिया मणि स्क्रीन प्रेजेंस इज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्टर्न, बहुत अच्छी लग रही है। एंड जिस तरह से प्रिया मणि अब मनोज बाजपेयी से बात नहीं करती, कहती अब मैरिज इज अ शैम, मनोज बाजपेयी गूगल करता है शैम का मतलब क्या होता है, बोगस, हमारी शादी बोगस है। वो काफी अच्छे सीन्स लगे मुझे। चेन्नई के जो दृश्य है टॉप शॉट्स मरीना बीच के दिखा बहुत अच्छा है, फोमो, रफलो, लोलो, लेलो, ये डायलॉग बहुत अच्छा है। काफी ज्यादा गालियों का प्रयोग होगा क्योंकि पहले पार्ट में मनोज बाजपेयी ने भर के
तबीयत से गाली दी थी, तो इसमें भी आप यू नो एक्सपेक्ट करो कि गालियां होने वाली है। एंड गाइस यहां पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है द बीजीएम। द बीजीएम ऑफ दिस कंप्लीट ट्रेलर इज आउटस्टैंडिंग। कल करे सो आज करे सो अब, ये हिंदी वाला बीजीएम फैंटास्टिक है। किस तरह यहाँ पे चेन्नई पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, उनकी कॉमेडी जेके यानी कि शाहरुख वाजपेयी का बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। तमिल बीजीएम इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई मीन राज एंड डीके ब्रिंग इन द साउथ इंडियन इन्फ्लुएंस इन टू ऑल द फिल्म एंड द वेब सीरीज दे मेक, एंड यहाँ पर वो क्लियरली एविडेंट है। एंड गाइस यहाँ पर एंड में जो डायलॉग रहता है, श्रीकांत यू कैनॉट बिकम वाइज फ्रॉम अदर पीपल्स विजडम, शायद एक प्रिंसिपल श्रीकांत को समझा रहा है। इस पर श्रीकांत कहते हैं कोट्स, मुझे भी बहुत सारे कोट्स आते हैं। हार का जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। इसकी माँ का वो सीन काफी मजेदार है, जो देखना मत भूलिएगा। अब गाइस ये जो सीरीज है वो सेकेंड वीक ऑफ जून में नहीं आने वाली है, इट्स कमिंग ऑन द 4th of June। मेकर्स ने इसको एक वीक पहले प्रीपोन कर दिया। लेट्स सी जब ये आएगा तब देखें किस तरह से होगा। बड़ी होगी वेब सीरीज, 8-9 घंटे की होगी। एंड इसका स्टारकास्ट बहुत ही मजेदार है। इट हैज मनोज बाजपाई, समानता अकिनेनी इज मेकिंग अ डेब्यू इन टू बॉलीवुड, बॉलीवुड हिंदी बेल्ट कहूंगा, तो वॉच आउट फॉर हर, शी इज अ हार्ट थ्रोब ऑफ द नेशन। शाहरुख हाशमी है, माय फेवरेट श्रेया धन्वंतरी है, शी इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। उसमें सनी हिंदुजा भी है, वॉच आउट फॉर हिम। शरद केलकर साहब है इसमें, दर्शन कुमार इज अनदर टैलेंट, आपको इनके लिए जरूर वॉच करना पड़ेगा। दलीप ताहिल है, विपिन कुमार है, सीमा बिस्वास अनदर गुड टैलेंट इन दिस फिल्म। एंड अब गाइज ये 4 जून को आने वाली है। इस पूरे के पूरे ट्रेलर का सबसे बड़ा यूएसपी है इसका डीओपी, कैमरामैन एरिक ब्राइसन। इसने इतने ब्यूटीफुली कैप्चर्स किया है, चाहे वो मिलिट्री सीन्स हो, एक्शन सीन्स हो, टॉप शॉट ऑन सिटी हो, बहुत बेहतरीन है। बैकग्राउंड म्यूजिक बाय केतन सोदा इज टॉप नॉच, सुपर्ब। हिंदी डायलॉग्स है वो सुपन वर्मा के है, एंड स्क्रीन प्ले भी सुपन वर्मा का है। राज एंड डीके, सुपन वर्मा है डायरेक्टेड अ फिल्म विद बिपाशा बासु, नॉट वेरी श्योर। एक्शन डायरेक्टर्स इसमें एजाज गुलाब है, दे आर नोन टू गिव वेरी रॉ एक्शन फॉर हिंदी फिल्म्स। एंड यहाँ पे यानिक बेन को भी लिया गया है। ऑल इन ऑल कास्टिंग में मुकेश छाबड़ा इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम पे आने वाला है, द फैमिली मैन सीजन 2। आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको मैंने बता दी इसके बारे में। अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया पे इसका ट्रेलर आया है, जाके देखिए। 4 जून को कोशिश करूंगा देख के इसका रिव्यू देने का, नॉट प्रॉमिसिंग इट। इसमें साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।